Hello friends, welcome back on Nitin Photography. My name is Nitin Sahu. Today's episode is super cool because I am telling you how to give color effect in jewelries. आज का एपिसोड बहुत ही मजेदार है. इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम ज्वेलरीज में कलर इफेक्ट कैसे देते हैं. यह मेथड जो है इंडियन वेडिंग एल्बम में बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है. गहनों को जो है कलर रखा जाता है और बाकी पूरे पिक्चर्स को जो है ब्लैक एंड वाइट रखा जाता है. तो आइए देखते हैं हम कैसे यह कलर इफेक्ट देते हैं ज्वेलरीज में. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन इमेज इन फोटोशॉप एंड मेक अ डुप्लीकेट लेयर हियर बाय प्रेसिंग कंट्रोल जे. आपको यहाँ से एक डुप्लीकेट लेयर बनाना है अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जे बटन दबाकर. यहाँ मैंने एक डुप्लीकेट लेयर बना लिया है. अब मैं यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से ग्रेडियंट मैप पे क्लिक करता हूँ. यहाँ से मुझे इस पे क्लिक करना है और ब्लैक एंड वाइट कलर सिलेक्ट करना है. ब्लैक एंड वाइट ध्यान में रखना है आपको. यहाँ ब्लैक एंड वाइट ही कलर होना चाहिए क्योंकि हम ब्लैक एंड वाइट में जो है इफेक्ट देने जा रहे हैं. ओके, अब इसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इस आइकॉन में और सिलेक्ट करता हूँ कलर रेंज. कलर रेंज में जाने के बाद डिटेक्ट फेस, यहाँ से जो है फेस में जो कलर है हम इसे ब्लैक एंड वाइट करना है, इसलिए ये प्लस वाला ले लेते हैं हम कलर पीकर टूल. और जिस भी एरिया को हमें ब्लैक एंड वाइट करना है उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं. इस तरह से जो है हमारी पिक्चर ब्लैक एंड वाइट हो गई है. और यहाँ से हम पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं इसे. ठीक है, इतना रहने देते हैं हम. ओके कर देते हैं अभी. अब यहाँ पर मुझे मास्क लेयर लेना होगा. ये हमारा मास्क रेडी हो गया है यहाँ पे. अब मैं यहाँ से ब्रश सिलेक्ट करता हूँ. ब्रश ऑलरेडी सिलेक्ट है मेरी. फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए हमारा. ये मैं फोरग्राउंड कलर वाइट और बैकग्राउंड कलर ब्लैक. यहाँ पर मुझे वाइट कलर दिख रहा है तो मैं यहाँ पर फोरग्राउंड ब्लैक लूँगा, तभी ये जो है काम करेगा. अब ब्रश भी सिलेक्ट किया हुआ है मैंने. यहाँ से अभी ज्वेलरीज के ऊपर में मैं इस तरीके से पेंट करूँगा. आपको ध्यान में ये रखना है कि सिर्फ ज्वेलरी के ऊपर ही हमें ब्रश से पेंट करना है. ज्वेलरी को ही कलर रखना है, बाकी सारी पिक्चर जो है हमारी ब्लैक एंड वाइट रहेगी. इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको आपको करने के लिए, क्योंकि कोई भी काम करने में थोड़ी मेहनत लगती है. फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी ज्वेलरीज जो है कलर्स में दिख रही है हमें, लेकिन कुछ जगह से जो है कलर बाहर भी हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा. और इसे हटाने के लिए हम यहाँ पर जो है कलर फोरग्राउंड कलर वाइट रखते हैं और फिर यहाँ से ब्रश करते हैं इस तरीके से, तो ये भी हट जाएगा जो है ज्वेलरी के बाहर जो कलर आया हुआ है वो हटा देंगे हम इस तरीके से. और जहाँ से
कलर की ज़रूरत है उसे कीबोर्ड से एक्स बटन प्रेस करके, ये फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर चेंज होता है एक्स बटन से, तो हम कर सकते हैं वो। आप ब्रश अपने हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका साइज वगैरह आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी इमेज जो है रेडी है वेडिंग एल्बम के लिए। हम इसे प्रीव्यू भी देख सकते हैं, बिफोर आफ्टर। इसे हम एक ग्रुप में डाल देते हैं और ये इस तरीके से आप कलर इफेक्ट दे सकते हैं अपने फोटो पे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से यह होगा कि आपको हमारे और जो आने वाले वीडियो है उसका मैसेज आपको मिलते जाएगा, जिससे आप कभी भी हमारे वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और पसंद ना आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।